नमस्कार बागवान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्लांटेशन से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे फार्मर्स हमारे पास क्वेरीज लेकर आते हैं कि हम आपसे पौधे ले जा रहे हैं तो उसको किस तरह से प्लांट करना चाहिए, उसका कोई मेथड, कुछ किस तरह की उस टाइम की गतिविधियाँ रहनी चाहिए, वो उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे दिखाइए, ये हमारा जो पौधा है स्टैंडर्ड हेल्दी प्लांट, कुछ लगभग 5 से 6 फीट का होता है और उसकी जड़ें इस तरह से होती है, इस तरह से उसकी कुछ जड़ें होगी। और जैसे कि आप देख रहे हो इन प्लांट्स में जो जड़ें हैं वो लगभग एक तरफ को 1.5 से 2 फीट मिनिमम निकली हुई है। तो इसका मतलब है कि जो हमने गड्ढा करना है सबसे पहले वो 4 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा होना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो प्लांट लेके जाते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है साइज में, उसकी रूट्स आप देखते हो किस तरह से फैली हुई होती है। तो ये रूट्स को आपने, कई फार्मर्स क्या करते हैं काट लेते हैं, उनको ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं होती है, ये थोड़े थोड़े काटने चाहिए इस तरह से, बस हल्की हल्की टिप करनी चाहिए आगे से, इससे ज़्यादा आपको इसकी प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो कुछ ट्रांसपोर्टेशन में टूट फूट हो जाती है वही रूट्स आपको निकालनी है, बाकी आपको रूट्स काटने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये रूट्स 3 फीट के एरिया में, डायमीटर में ये फैली होती है, तो आपका जो गड्ढा होना चाहिए रूट से लगभग 0.5 से 1 फुट बाहर भी वो खुदा हुआ होना चाहिए, ताकि जब आप पौधा लगाते हो, जब वो ग्रो करेगा ग्रोइंग सीजन में, जब उसमें ग्रोथ होगी तो उसकी जो जड़ें हैं, नव विकसित जड़ें आसानी से मिट्टी में इधर उधर फैल सके और वो इस्टेब्लिश हो सके। तो हम सबसे पहले बताते हैं आपको कि प्लांटेशन करते हुए, अब पौधा लगाते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखिए, जब आप गड्ढा भरते हैं, आपने मान के चलिए 4x3 फीट का गड्ढा किया या जितना भी बड़ा आप गड्ढा करते हैं वो आपने किया, उसके बाद आप उसको भर देते हैं। भरते हुए आप उसमें एक काम कर सकते हैं, आप उसमें सुपर फॉस्फेट 250 ग्राम से 500 ग्राम अब गड्ढे के आकार के मुताबिक उसमें मिक्स कर सकते हैं। एक तो आपने सबसे पहले ये काम करना है। फिर जब आप पौधे लगाओगे तो आपने उस वक्त एक स्लरी बनानी है जिसमें एक हिस्सा गौमूत्र, एक हिस्सा गोबर और एक हिस्सा उसमें लाल मिट्टी का हो, और उसमें आपने लगभग 1 से 2 किलो माइकोराइजा ऐड करना है और उसको अच्छे से घोल देना है, और ये घोल आपने अच्छी गर्म जगह में रखना है जहाँ पे धूप आती हो, और ये आपने प्लांटेशन से 8 से 10 दिन पहले तैयार करना है और इसको हर दिन अच्छे से घोलना है। आप देखोगे कि 8-10 दिन बाद जो घोल है वो एकदम बिल्कुल कीचड़ सा तैयार हो जाता है, बिल्कुल वो मिट्टी जो है गोबर मिट्टी और गौमूत्र आपस में मिक्स हो जाता है। जब आप प्लांटेशन करोगे तो सबसे पहले आपने, जैसे कोई प्लांट है मान के चलिए ये पौधा है, आपने उसको जो स्लरी बनी है उसमें डिप करना है, ये आपका यहाँ ग्राफ्ट यूनियन से नीचे तक इतने हिस्से में आपने डिप करना है, और उसके बाद आपने आके लगा देना है। लगाते हुए आपने, जैसे ये गड्ढा है आपने इसमें लगाया, इस पर मिट्टी चढ़ानी है। जड़ों का ध्यान रखिए कि जड़ें जो है जिस दिशा में जो जड़ जा रही है वो जड़ उसी दिशा में हो, इस तरह से मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए जड़ें गड्ढे के अंदर, उससे क्या है कि पौधों का विकास रुक जाता है। जो जड़ नर्सरी से जिस दिशा में ग्रो होती हुई आई है आपको उस जड़ को उसी दिशा में इस तरह से आगे चारों ओर को फैलाना है। फिर उसके बाद उसमें मिट्टी चढ़ानी है, और ध्यान रखिए कि जो ग्राफ्ट यूनियन है वो मिट्टी से कम 4 इंच ऊपर होना चाहिए जो आप मिट्टी डाल रहे हो। उसके बाद आपने उसको कुछ इस तरह से पौधा रोपण करने के बाद दबा देना है, अपने पांव से दबा देना है, और इस तरह से ताकि मिट्टी एकदम से सेट हो जाए और जो पाला है उसका कोई फर्क ना पड़े आपकी रूट्स पे। अब जब ये कर देते हो आप, उसके बाद बात आती है प्रूनिंग की, कि पहली साल किस तरह से प्रूनिंग करनी चाहिए पौधों को। हम सीडलिंग प्लांट्स में की नर्सरी में इस वक्त खड़े हैं, ये पौधा सीडलिंग का है, तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड प्लांटेशन में, स्टैंडर्ड डिस्टेंस जो प्लांटेशन का है उसमें किस तरह से प्रूनिंग की जाती है। अब जब हमारा ये पौधा लग चुका है ज़मीन से ऊपर है, तो जैसे मेरी हाइट 6 फुट से ऊपर है, अब ये लगभग यहाँ 2 फुट का गैप है, पहला टायर मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं इसको लगभग इस डिस्टेंस पे इतना तिरछा कट, ज़्यादा तिरछा भी नहीं, और आँख से ये देखिए, आँख से थोड़ा ऊपर, 4 से 5 mm ऊपर आपने ये इस तरह का कट मारना है। ये मैं आपको सेंटर लीडर जो हमारी पुरानी तकनीक है उस पर बता रहा हूँ, आपने उस पर इस तरह से करना है। अब क्या है कि ये आप थोड़ी नज़दीक आके दिखाइए, ये जो बड है इसमें आपने कुछ नहीं करना है, पर जो नीचे के ये दो बड्स है इनको नाखून से इस तरह से नॉच कर लेना है,
इस तरह से, ये नीचे के सिर्फ दो बड्स। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से जो आपकी नई ग्रोथ ऊपर को आएगी, इस बड से जो टॉप का बड है वो ऊपर को आएगी, और साथ में आपने देखा होगा कि यहाँ से भी इसमें ग्रोथ आनी चाहिए, क्योंकि अब हमने ये नॉचिंग कर ली है, यहाँ से कोई ग्रोथ नहीं आएगी, और जो ग्रोथ आएगी वो यहाँ से आएगी, यहाँ से तीन अलग अलग डायरेक्शंस में जो ग्रोथ आएगी आपने उसको रखना है। इसका क्या फ़ायदा होता है इन दो को नॉच करने का, जो आपका लीडर है इसके साथ कोई कॉम्पिटिशन करने वाली ब्रांच ऊपर को नहीं निकलेगी, और जो ब्रांचेस निकलेगी वो नीचे से निकलेगी, और उसमें हमारे को ये फ़ायदा हो जाता है कि एक तो लीडर हमारा वीक नहीं रहता है, दूसरा फेदर्स काफ़ी नीचे से मतलब कि लीडर से नीचे निकलते हैं, तो वो लीडर की मोटाई को भी कोई हार्म नहीं कर सकते हैं। तो पहली साल हमने यही करना है। अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि प्लांटेशन करते हुए या उसके बाद हमें खाद डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जब तक आपके पौधे, जैसे आपने प्लांटेशन कर दी है, अब आपके पौधों में ग्रोथ आना शुरू हो गई है, तो जब तक आपके पौधों में लगभग 6 से 8 इंच ग्रोथ नहीं आती है, आपने नाइट्रोजन या फिर कोई भी दूसरी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करनी है। आप जुलाई में अगर आपके पौधों में लगभग 1.25 से 1 फुट ग्रोथ आ गई है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार 100 से 150 ग्राम 200 ग्राम बिल्कुल तौलिए में फैलाकर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आपको इस वक्त कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है, ये पूरा मैंने आपको जो इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है, बस इतना सिंपल सा प्रोसीजर है। मेन चीज़ यही है, आप प्लांटेशन से पहले अगर आपकी, जब आप सॉयल टेस्टिंग करवाते हो नया बगीचा लगाने से पहले, आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपके बगीचे में नाइट्रोजन की कमी है तो प्लांटेशन से पहले लगभग 1-1.5 महीना पहले आप रेकमेंडेड जो डोज है आपका नाइट्रोजन का, उसके अकॉर्डिंग आप सॉइल में एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन जब एक बार आपका पौधा आपने लगा दिया है, तो जब तक उसमें 0.5 से 1 फुट तक ग्रोथ नहीं आती है, आपने किसी भी तरह की कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। आप माइकोराइज़ा यूज़ कर सकते हैं, वो बरसात में आप यूज़ कर सकते हैं, गोबर के साथ यूज़ कर सकते हैं। रिप्लांटेशन साइट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है रूट रॉट वगैरह की, तो आपने अवॉइड कर, केमिकल्स को अवॉइड करना है, और जितना हो सके ट्राइकोडर्मा या किसी दूसरे मतलब बायो उत्पाद का प्रयोग करके अपने पौधों को सेफ रखना है। धन्यवाद।